हम तभी करेंगे जब आप चुपचाप चमत्कार में वापस लौट आए। बाबूजी, मैं तो कहती हूँ कि बस करू से पूछकर ये रिश्ता पक्का कर देते। करू से पूछने की क्या जरूरत है, इससे तो अच्छा है कि सीधे सीधे उसको रिश्ता पक्का होने की खबर सुनाई जाए। तुम सब काम छोड़ो, पहले करीना को वापस ले आओ। मॉम, अगर वो नहीं आना चाहती तो क्या मैं जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती लाओ। दादू जिया, हाँ वो लोग रिसेप्शन पे है। अच्छा तुम जल्दी से शो खत्म करके चुपचाप यहाँ से निकल लो, मैं उन्हें संभालता हूँ। पुत्र, तुम मेरे को ऐसा क्यों लगा कि कोई पीछे से भाग के गया है? मैं चाहता हूँ कि तुम बूजी से ये कहो कि तुम प्रेम से सच्चा प्यार करती हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। करीना, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर वालों को ये बता दूंगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक बच्चा भी। बोलो करीना, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या करूं? अगर सच कहती हूं तो पार्टनर की शुगर बढ़ जाती है, अगर झूठ बोलती हूं तो पार्टनर का दिल टूट जाता है। ये पार्टनर ने तो पार्टनर को ही फंसा दिया। करीना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? बात सोचने और समझने की नहीं है तुषार, बात तो सच की है। तुम और सच? सच तुषार, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने आज बता दिया तुषार, जीत हमेशा सच की होती है। करीना, ये क्या उल्टा सीधा बके जा रही हो तुम? आज से मैं जो कुछ कहूंगी सिर्फ सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। देखो करीना, इस गवाही देने के अंदाज में मुझसे बात मत करो, जो मैं कह रहा हूँ बस उतना करो। नहीं तुषार, तुम भी झूठ का सहारा मत लो। करीना, तुम्हें झूठ बोलना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि त्रिभुवन जी मुझसे कभी नफरत कर पाएंगे। मगर मुझे लगता है करीना, तुमने बड़ी आसानी से झूठ बोलकर उनके दिल में अपनी जगह बनाई है। अब तो तुम्हें सिर्फ नफरत पैदा करनी है, वो तो और भी आसान होगा ना। और फिर तुम अकेली भी नहीं हो, तुम्हारा पार्टनर है ना प्रेम सूद। और फिर झूठ बोलना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है करीना। हीरो इतने बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है और खुद क्या करने जा रहा है? लेकिन तुषार, अब तो तुम भी झूठ का सहारा ले रहे हो, तुम्हें तो झूठ से नफरत थी ना। करीना, मगर मुझे अपने मॉम और बूजी से बहुत प्यार है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे झूठों की वजह से उन्हें दुख पहुंचे। मुझे भी तुम्हारे मॉम और बूजी से बहुत प्यार है, और उनके प्यार के लिए मैं तुम्हारी बात मान सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा दिया तुषार, है ना? करीना प्लीज, मेरी तुम आखिरी बार मदद कर दो। मदद? अगर मदद मांग रहे हो तो जरा प्यार से मांगो। ठीक है, प्लीज मेरी मदद करो। नहीं नहीं, चेहरे पर प्यार लाकर। ठीक है, प्लीज। पहली बार तुम्हारी गुस्से से भरी मुस्कान देख रही हूँ, आई लाइक इट। अब तो मुझे तुम्हारी बात माननी ही होगी। थैंक यू, टेक केयर। प्रेम पुत्र, अब तो मैंने तेरा ऑफिस भी देख लिया, सारी दीवारें सन माइके सब देख लिया, बहुत अच्छे हैं। अब जरा तू भी जाके देखना तेरी मॉम की मीटिंग खत्म हुई कि नहीं। प्रेम पुत्र, अब तक तो वो चली गई होगी, अब कोई डर नहीं। कौन चली गई होगी, किसका डर? अब अरे, अब जो आता है वो जाता भी तो है, और जो चला गया है उसके बारे में बात करके क्या फायदा। मैं मॉम को अभी जाके बुलाता हूँ। कमाल है, प्रेम आज बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है। दादू आप छोड़िए, आप बैठिए ना। मॉम, 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 मॉम,
मॉम आपकी मीटिंग खत्म होगी। मीटिंग? सॉरी, मीटिंग का तो मैंने बहाना बनाया था। मीटिंग का बहाना? किससे और क्यों? वो आए हैं, साथ में बहुत बड़ी मुसीबत लाए हैं। किसी तरह करीना को यहाँ से भगाया, अब आपकी पारी है। एक मिनट, कौन आया है, किसके लिए आया है? What is going on, प्रेम? करीना के दादू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और साथ में उसकी बहन जिया भी आई है। करीना के दादू अचानक? हाँ, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या कहना है उन्हें। कम ऑन मॉम। हेलो। ओह नमस्ते जी। नमस्ते। 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 हेलो। हम लोग ना आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसी रही मीटिंग? मीटिंग? मॉम की मीटिंग्स बड़ी लंबी चलती है। माफ कीजिएगा, आपको वेट करना पड़ा। ना, बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हम लोग इस तरह बिना बताए हुए आ गए। ये ना जिया का आइडिया था। आप बैठिए तो सही। हाँ नन्ना, आप कह रहे हैं तो पहले आप बैठिए। आइए। ओके जी, प्लीज। कहिए, कोई खास बात? लड़का हमें पसंद है। मैं समझी नहीं। लड़का और लड़की तो एक दूसरे को समझ ही चुके हैं ना, बाकी चीजें हम समझ लेते हैं। और फिर हमारी करीना तो है ही ऐसी, जिस घर में जाएगी ना चार चांद लगा देगी वो। लेकिन ना, लेकिन वेकिन की तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची है ना। वही निकाल लड्डू। जीजू, आप शर्मा क्यों रहे? क्या जीजू? देखिए, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह अचानक से हमारे सामने ऐसा ऑफर लेकर आएंगे। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, मैं प्रेम से बात कर लूं। अभी बात कर लीजिए, हमें सोचने के लिए वक्त दीजिए। आराम से सोच लीजिए, फिर हमें बता दीजिए। बाकी सारी बातें तो तय हो ही चुकी हैं। और हमारी तरफ से ना पुत्र, नवंबर का महीना पक्का समझिए। ओहो, अब यहाँ मजाक करने का टाइम नहीं है। घर चल के तेरी माँ को ये खुशखबरी देते हैं। अच्छा जी, नमस्ते। बाय बाय जीजू। करीना, ये सब गुड, यू आर लेट, गो फास्ट। ना तुम चंडीगढ़ से मुंबई आती, ना रेडियो करी ज्वाइन करती, ना रोज रोज की मुसीबत में पढ़ना पड़ता मुझे। हुआ क्या, चिल्ला क्यों रहे हो? पहले मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, पहले तुम मेरी बात सुनो। लेकिन मेरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी बात बहुत सीरियस है। अच्छा बताओ हुआ क्या? यार दादू ने सब गड़बड़ कर दिया। दादू ने? हाँ, मेरी मॉम के पास आए थे। What? और तुम लोगों ने क्या कहा? क्या कहते, मॉम कुछ कह ही नहीं पाई। दफर, तुम शादी के लिए मना नहीं कर सकते थे? हाँ हाँ, तुम्हारे दादू ने तो हमें बहुत मौके दिए थे। अरे फ्रंटियर मेल की तरह लगातार बोलते ही गए, पता नहीं खुद कब रिश्ता पका करके चले भी गए। तुम इतने बड़े डफर हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, मैं तो बहुत बड़ा डफर हूँ, और तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तो बताओ क्या करना है, बताओ। मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या करूँ। तुम्हारे दादू कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो फिर जो हो रहा है उसे हो जाने दो। प्रेम, तुमको तो, अरे ये क्या करियो, तुम्हें पता है आज को तो मैं मैट्रिमोनियल कॉलम देखने लगा हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए यार कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसे शादी कर लेता हूँ, कम से कम ये झंझट से तो छुटकारा मिलेगा। तुम अपनी शादी की फिक्र छोड़ो और ये सोचो कि ये दो-दो परेशानियों से बाहर कैसे निकलूं। What? दो-दो परेशानियां? हाँ, दो-दो परेशानियां, एक तुषार की और एक शादी की। लास्ट टाइम प्रेम, प्लीज। तुषार की इस ब्लैकमेल में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। हाँ मुझे पता है, एक बार तुषार के कहने पर तो शेरवानी पहन ली, अब तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? जिंदगी में एक ही गलती की है, अब क्या पूरी जिंदगी भर मुझे सुनाओगी? प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। 50 बार सुन चुका हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा लास्ट टाइम ये आता ही नहीं है। इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुम्हें दोस्ती तोड़ना है तोड़ो, रेडियो करी छोड़ना है छोड़ो, आई डोंट केयर। तुम भी 50 बार पहले ऐसा कह चुके हो, लेकिन मुझे पता है तुम मेरी हेल्प करोगे। इस बार नहीं मतलब नहीं। नहीं मतलब हाँ। नहीं मतलब नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। 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 हाँ। 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 की माँ, बस शादी की तैयारियां शुरू कर दो। क्या कहा प्रेम की माँ ने? अरे क्या कहती वो, दादू ने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। ओ, मैं कहता हूँ बहुत भागों वाली है तू। सब वाहे गुरु की कृपा है। तो है, लेकिन वाहे गुरु ने जो करना था वो तो कर दिया, अब तुम भी तो अपनी ड्यूटी करो। ड्यूटी?
हाँ हाँ, उन लोगों को रोज फोन करो, हालचाल पूछो, प्रेम का हाल पूछो, इसी से तो संबंध मजबूत होते हैं ना। दादू, इस काम के लिए ना तो मैं ही परफेक्ट रहूंगी। मैं जीजू को फोन कर करके तंग कर दूंगी। इतना भी मत फोन कर देना कि वो शादी से इनकार कर दे। निका, जलेबी, एक काम करते हैं, ये डिब्बे का कहीं छुपाए देते हैं, ना रहेगी जलेबी और ना रहेगी शुगर। वही बात हो गई पीके, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चल कोई भी बात हो, पीका छुपा दियो काम। नमस्ते पीके जी। नमस्ते। आज अचानक आप इस तरह आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे सुनो, अरे भाई मोनिया जी, क्या हुआ पीलू जी? अरे देखो देखो कौन आया। ओए करीना, करीना तुमने तो वापस आके ना एकदम ऑल राइट काम कर दिया। तुम तो ऑफिस की रौनक ही साथ ले गई थी। ओए करीना लाई है, देशपांडे जी। अरे कृष्णा, अरे आओ जल्दी आओ, देखो करीना हमारे लिए क्या लेके आई है। खाओ 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 ना यार, सारे का लो लो लो। वाह, ये तो बढ़िया हुआ, जलेबियों खत्म हुई रही है और करीना आ गई। अब जल्दी से भैया जी का खबर कर दे भाई, कहाँ है। पीके, हमने एक पैकेट रखा था, यहाँ कहाँ गया? भैया जी जो चला गवा उसका जाने दो, जो आया है उसके बारे में सोचो। नमस्ते। आप लोग बताओ, हम चले। कैसे हैं पार्टनर? नाराज हैं? अच्छा ठीक है, तो आप ही बताइए कि आपको कैसे मनाना चाहिए। अरे आप क्या मनाएंगे, क्या मनाएंगे आप? आपका तो जब मन किया चली गए, जब मन किया आ गए। देखिए अब आप जाइए, जो आपका मन करे वही कीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं। मतलब है, मैं तो अपने पार्टनर के लिए आई हूँ। खबरदार, हमको पार्टनर ना कहना, हमने पार्टनरशिप तोड़ दी है। गुस्से में तो कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन मैं आपका साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली। देखिए आप यहाँ से चली जाइए, वरना हम आपके कान पकड़ कर आपको निकाल देंगे। वही तो मैं चाहती हूँ। आप इतनी देर से गुस्से होने का नाटक कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। मतलब प्यार करते होते तो मेरा कान पकड़ते, पूछते कि क्यों चली गई, गाल पर एक दो चपत भी लगा देते, लेकिन आप तो बच्चों की तरह रट लगाए हुए हैं। दोस्ती तोड़ दूंगा, पार्टनरशिप तोड़ दूंगा। अब हम कहाँ करें, आपके प्यार ने तो हमें सच्ची बच्चा बना दिया है। हाँ, बहुत परेशान किया हमें आपने, बहुत बहुत परेशान। लेकिन हम क्या कम परेशान हुए हैं? देखिए रोइएगा नहीं। लेकिन मैं तो रोऊंगी। नहीं नहीं, देखिए हम दिल के मरीज हैं। मेरे लिए भी ये दिल का मामला है, मैं रोऊंगी। देखिए अगर आप ये सोच कर आई हैं कि आप मीठी मीठी बातें करेंगी हैं, और वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सवरी कहेंगी, रोएंगी धोएंगी, तो हम का मान जाएंगे। अगर ये सोच कर आई हैं, सही सोच कर आई हैं। मुझे पता है आप मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकते। ओहो, ये कहा नफरत नफरत लेकर बैठ गई हैं आप। आज से इस ऑफिस में नफरत की बात नहीं होगी, सिर्फ प्यार की बात होगी। अरे बबुआ देखो आ गई हैं, हमने कहा था ना कि चमत्कार से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती हैं। भाई मजा आ गया, अब हमको जलेबी की जरूरत नहीं है, हमारा शुगर लेवल अपने आप ठीक हो गया है। हम जरा नीलू जी को फोन करते हैं। शुगर लेवल देखो, फोन भी नहीं लगता है, खुशी के मौके। अच्छा ठीक है ठीक है, हम ऑफिस में जरा मिठाई बांट कर आते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग बात कीजिए। क्या हो रहा था सब? ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए नहीं बुलाया था। जानती हूँ। तो फिर फौरन अपने काम पर लग जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना
मैं नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। हाय प्रेम, कैसे हो? यार बेशर्मी की भी हद होती है, अभी तो इतना गुस्सा दिखा कर रही थी, अभी कैसे हो प्रेम? क्या करूं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। देखो जानू, मुझे पता है तुम मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, पर क्या करूं, ऑफिस की मजबूरी है। मैं तुम्हारे बिना बहुत मजे में हूँ, और प्लीज अब ये मत कहना कि पार्क में आकर मिलो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पार्क में मिलते हैं, फिर हम लोग डिनर पे चलेंगे, नाइट शो भी देखेंगे, है ना? समझ गया, पार्टनर और तुषार के सामने तुम एक्टिंग कर रही हो। हाँ ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ओके बाय, लव यू, मिस यू। आपके केबिन फोन बज रहा है। ठीक है मैं आता हूँ, चलो तो इसको आप फाइनलाइज कर दीजिए। ओके ठीक। पार्टनर भाई कमाल की एक्टिंग कर लेते हैं आप तो, आपको सब पता है, आप तुषार को जलाने के लिए सब कर रही थी ना। चाहे तुषार को जलाऊं या त्रिभुवन जी को, अल्टीमेटली जलेगा तो मेरा ही दिल, किसे समझाऊं? हम सब समझ गए, हम भी ऐसा चक्कर चलाएंगे कि बबुआ खुद अपनी गाड़ी में बैठा कर करीना को ले जाएगा। ओके सी या। बुजी, मैंने वो लैंड का मैटर सॉल्व कर लिया, आज शाम को मीटिंग है, सारे डिटेल्स फाइन कर लेंगे, अभी चला। मीटिंग? अरे देखो हम तो वैसे ही फंसे हुए हैं, और ऊपर से ये जमीन जमीन का मामला हमको तो समझ में नहीं आता है, ये तो या नीलू जी करती हैं और या फिर वो करीना। एक काम करो ना, करीना को साथ ले जाओ। नहीं बुजी, मुझे उसके साथ नहीं जाना। दो लोग होते हैं ना तो काम जरा आसान हो जाता है। हाँ ले जाओ ले जाओ। हाँ करीना जरा नीलू जी के केबिन में आ जाओ। लेकिन मुझे करीना करेगी क्या इस मीटिंग में? क्या करेगी? अरे इस मामले में तुमसे ज्यादा जानकारी है उसे। हाँ अरे भाई तुम्हारी मदद करेगी, काम करेगी तुम्हारे साथ। सर आपने हमें बुलाया? हाँ बिल्कुल बुलाया है। एक काम कीजिए, आज शाम को आप तुषार के साथ खन्ना जी के ऑफिस चले जाइए, वो लैंड का डील फाइनल करना है। सर आई एम सॉरी, आज जाना जरा मुश्किल होगा। कहा नहीं जा सकते शाम को? आज कहा है वो? सर आज मॉम को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो मीटिंग के बाद ले जाइएगा, या फिर एक काम कीजिए मीटिंग से पहले ले जाइए, मीटिंग थोड़ा आगे खिसका देंगे। सर पता नहीं डॉक्टर के यहाँ कब नंबर आ जाए, बहुत लंबी लाइन होती है। वैसे मुझे जरूरत नहीं है इनकी, मैं अकेला चला जाऊँ। नहीं नहीं सर, हम भी घर चलते हैं। ओके थैंक यू, बाय। बुजी वैसे आज अपनी लाफ्टर क्लब की मीटिंग को छोड़िए, मैं और आप घूमने चलते हैं। राम प्रसाद की रबड़ी और शर्मा जी का फालूदा। जी क्या बोलते हैं? बोलते तो ठीक है, लेकिन एक वादा कीजिए जी, हम एक रबड़ी और एक फालूदा पे नहीं आते। कितने बैठेंगे? अब वो वहां जाके देखेंगे। ठीक है चलिए चलिए। हाय। क्या हाय, कितनी देर लगा दी, कब से खड़ा हूँ? अरे खड़े क्यों थे, बैठ क्यों नहीं गए? देखो मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। मैं क्या करती, गुस्सा करना है तो ट्रैफिक पर करो। ट्रैफिक की तो मैं टफर, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, प्यार करने आए हैं। व्हाट, ऐसे मुंह क्या बना रहे हो? मुस्कुराओ, मेरे हाथों में अपना हाथ दो, क्योंकि तुषार त्रिभुवन जी को यहाँ लेकर आएगा, और जब वो हमें इस तरह देखेंगे उनके मन में ये बात बैठ जाएगी, और अकॉर्डिंग टू मिस्टर तुषार पांडे वो हमसे नफरत करने लगेंगे। पर लेकिन क्यों ये सब तुम क्यों कर रही हो, इसे तुम्हें क्या मिलेगा? तुषार को ये समझाने के लिए कि अगर मैंने झूठ का सहारा लिया है तो उसने भी झूठ का सहारा लिया है, और जिस दिन वो ये बात समझ गया कि झूठ किसी को नुकसान करने के लिए ना बोला जाए, और अगर हालात उसे झूठ बुलवाएं तो वो मुझे माफ कर देगा। बबुआ ये सड़क की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, ऐसा लगता है जैसे ऊंट की सवारी कर रहा है। जी रोडों को छोड़िए, इन पार्कों को देखिए, लोगों ने पार्क को भी रोमांस की जगह बना लिया। बबुआ रुक, एक मिनट गाड़ी रुक। क्या हुआ बुजी? तू देखो ये तो करीना और प्रेम है ना, हो सकता अगर हो रहा है आपकी आंखों के सामने हो रहा है। करीना ने ऑफिस में ये कहा था कि इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि माँ से मिलने जाना है, मगर माँ तो यहाँ है ही नहीं।